मूक पशु बोल नहीं सकते, इसलिए ये वचन नहीं दे पाते, किंतु जिंदगी भर साथ रहने का वचन ये मरकर भी निभाते हैं। इसलिए ये घोड़ा हमें अत्यंत प्रिय है, ये मेरी हर बात को समझता है। हम इसे अपने दिल की कोई भी बात कह सकते हैं, मित्रों का मित्र और शत्रुओं का घोर शत्रु। आशा है ये भी शत्रुओं को उत्तर देना जानता हो आपकी भांति, वैसे ही जैसे आपने जलाल को उत्तर दिया। कुंवर, आवश्यकता थी समय की। गुरु जी ने कहा था कि अपने शत्रु को भली भांति परखना, उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखने से उसके अंदर की शक्ति का आभास होता है, किंतु एक मनुष्य को समझना इतना सरल नहीं है। जो भी हो कुंवर प्रताप, हमारा तो अब भी यही मत है कि इस अवसर को चूकना हमारी बड़ी भूल है। शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अतिथि बनकर आया है। जिस दिन शत्रु बन के आएगा हमारी धरती पर, उस दिन उसे भागने के लिए धरती भी नसीब नहीं होगी। जिस दिन सभी राजवंशी एक हो गए, उस दिन मुगल क्या, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। इस बारे में आपका मत क्या है कुंवर? ठीक कह रहे हैं, उत्तम समय, परंतु कायरों के लिए, वीरों के लिए नहीं। तो आपका मत है कि इस अवसर को हाथ से जाने दें? अवसर की प्रतीक्षा कायर करते हैं और पीछे से वार गीदड़, सिंह नहीं। सिंह हमेशा सामने से वार करते, गरज कर विजय नाद के साथ। जलाल यहां पर युद्ध करने नहीं आ रहा, इसके साथ उसके परिवार की महिलाएं भी होंगी। और यूं इस तरह पीछे से वार करना ना ही हमारा राष्ट्र धर्म है, ना ही राजवंशियों की मर्यादा। हम राजवंशी सामने से वार करके अपना सिर कटाना श्रेष्ठ समझते हैं, हम पीछे से वार करके अपने कुल की गरिमा को कलंकित करना नहीं चाहते। तो इसका अर्थ है हम जलाल का सामना ना करें? हम सामना भी करेंगे और प्रहार भी, किंतु तब जब जलाल हमारे सामने युद्ध भूमि में होगा। इस वक्त हम ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते जिससे हमारे कुल की गरिमा कलंकित हो। हम विवाह में सम्मिलित होंगे सिर्फ अपने परिवार वालों की खुशी के लिए, उनकी इच्छा के, उनके मान सम्मान के लिए।